देखो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ द कैपेसिटी या एबिलिटी टू वर्क। एनर्जी दो टाइप की है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल दो टाइप की है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। और नॉन मैकेनिकल में इनके अलावा दुनिया भर की सारी एनर्जी नॉन मैकेनिकल है, जैसे साउंड, लाइट, विंड। प्लस वन में हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, अभी जो स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल। नॉन मैकेनिकल एनर्जी प्लस वन में सिर्फ एक ही स्टडी करवाई जाएगी, साउंड। एंड वाला चैप्टर साउंड का, साउंड वेव्स हैं, उसमें स्टडी करेंगे। लाइट प्लस टू का पार्ट है। तो आधी एनर्जी प्लस वन में, आधी एनर्जी प्लस टू में है। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे किससे? मैकेनिकल एनर्जी से, जो कि दो टाइप की है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। काइनेटिक तो सबको पता ही है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल फर्दर दो टाइप की है, पहली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्प्रिंग एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी आपने ये तो सुनी होगी कि आपने एक पत्थर को उठाया एच हाइट तक, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी है, बात खत्म। एक और पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की एनर्जी। स्प्रिंग में कैसे, वो पुरानी घड़ियाँ होती थी वो 1975-80 में, क्या सेल तो डलते नहीं थे, चाबी देते लोग सुबह उठ के, पहले पूरा दिन घड़ी घूमती थी और सुबह रात 24 घंटे बाद फिर बंद हो जाते थे, फिर चाबी देते थे। तो चाबी देने का मतलब अंदर क्या होता, स्प्रिंग होता था। वो स्प्रिंग को फोल्ड करते थे और वो इस तरीके से फोल्ड होता था कि 24 घंटे के अंदर ही वो खुल के पूरी घड़ी को चला देगा, तो घड़ी टाइम बताती थी। फिर उसी तरीके से आजकल जो टॉयज आते हैं, अब तो सेल वाले टॉयज हैं, पहले वो बच्चे खेलते थे, आज भी आते हैं, चाबी दो, खिलौने में चाबी भरते हैं, टॉय उतना ही चलता है। वो क्यों, अंदर स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग फोल्ड हो रहा होता है और जब अब छोड़ते हो तो उसके अंदर एनर्जी भरते हो आप फोल्ड करके, क्योंकि स्प्रिंग की क्या है, स्प्रिंग इलास्टिक इन नेचर है। और इलास्टिक इन नेचर का मतलब क्या है कि उसको अपने नॉर्मल पोजीशन पर वापस आना ही होना है, आना ही आना है। तो आप उसे जब फोल्ड करते हो, खींचते हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आएगा और खिलौना चलना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअल में इसको ऐसे समझाने की बजाय पोटेंशियल एनर्जी को, मेरा समझाने का तरीका कुछ अलग है। मैं पोटेंशियल एनर्जी को प्लस वन प्लस टू या कहीं भी दुनिया में कैसे देखता हूँ वो समझाता हूँ। आप अगर कभी भी अगेंस्ट नेचर काम करो, नेचर, ये नेचर है, इसके अगेंस्ट कभी भी काम करोगे ना तो आपको अपोजिशन ही मिलेगी, पक्की बात है। एग्जाम्पल, पत्थर चाहता है कि मैं ग्राउंड के ऊपर लेटा रहूँ, ठीक है, पड़े, अर्थ भी चाहती है तो यहीं बैठ। आप नहीं चाहते, आप चाहते हो पत्थर को अगेंस्ट ग्रेविटी उठाऊं। ग्रेविटी नेचर का पार्ट है, नेचर ने ग्रेविटी को नीचे रखा है, अट्रैक्टिव रखा है, पर आप क्या चाह रहे हो कि वो चीज़ ऊपर जाए। आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो नेचर कहती है ठीक है तू मेरे अगेंस्ट काम करना चाहती है तो फिर ठीक है वर्क डन कर। तो तुमने वर्क डन किया, मान लो 10 जूल का वर्क डन किया, 10 जूल से वो पत्थर ऊपर आ गया। आपने जो वर्क डन किया वो इसके अंदर स्टोर हो गया 10 जूल का ही, इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखना चाहते हो कैसे, छोड़ दो तो पत्थर कहाँ जाएगा, नीचे। नीचे क्यों गया, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी भरी पड़ी है। वो एनर्जी, वो वर्क डन काइनेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और पत्थर सीधा नीचे आ जाएगा। तो आपने जब अगेंस्ट नेचर काम किया तो उसमें क्या भर गई, क्या स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। भरने को बोलते हैं स्टोर होना। तो जो भी आपने वर्क डन किया वो क्या हो गया, इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल, स्प्रिंग। स्प्रिंग चाहता है कि मैं अपनी नेचुरल लेंथ पे रहूं, ना मेरे को कोई कंप्रेस करे ना मेरे को कोई खींचे। अगर कोई खींचेगा मैं वापस आ जाऊंगा, कंप्रेस करेगा मैं वापस आ जाऊंगा। आप हट नहीं रहे, आपने जबरदस्ती उसको खींचा, खींच के आपने फोर्स लगाई, तो स्प्रिंग ने क्या, ठीक है आप मेरे अगेंस्ट के नेचर काम कर रहे हो तो ठीक है वर्क डन करो। तो आपने वर्क डन 15 जूल का किया, कर दिया, छोड़ो, स्प्रिंग वापस आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या भर दिया आपने, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। चाबी देने का मतलब क्या, वर्क डन कर रहे हो, चाबी देने का मतलब वर्क डन कर रहे हो, वो वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो ये 10th के बाद फिजिक्स पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है, ये कहता है जी मैंने कॉमर्स लेनी है, इसकी नेचर है, ये कहता है मैंने पढ़नी नहीं, पर मैं इसको जबरदस्ती उठा के घर से ले आया, अब तेरे को पढ़ाऊंगा फिजिक्स, पढ़ना ही नहीं चाहता, इसके अगेंस्ट नेचर काम हो रहा है। एक दिन कर लोगे वर्क डन, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, जिस दिन मैं क्लास में नहीं हूँ मैंने वर्क डन लगाना बंद कर दिया, ये घर से उठ के नहीं आएगा, यहाँ से उठ के घर वापस भाग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या भर गई, पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि जब भी आप अगेंस्ट नेचर किसी के साथ भी काम करोगे एनर्जी भरेगी भरेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक,
तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो अब इसमें जैसे दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्ज है, प्लस टू में सिखाते हैं, वो पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पर आप नहीं हटे, आपको अगर नहीं जबरदस्ती है मैं तो पास लेके आऊँगा, तो फिर क्यों कहता पास लेके आओगे, करो फिर वर्क डन करो, तो अगेंस्ट नेचर काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। जब आप वर्क डन करोगे तो आपके उस सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो गई, आप जैसे ही उन्हें छोड़ते हो वो फिर दूर भाग जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आइडिया समझ में आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, कैसे एनर्जी भरी जाती हैं? ठीक, अपने आप नहीं भरेगी, आपको वर्क डन करने पड़ते हैं। अपने आप तो यार हर कोई अपने रेस्ट पे बैठना चाहता है। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं विद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं।